पहला प्राणायाम करेंगे हम भस्त्रिका। उसमें सबसे पहले प्राणायाम में आपको जरूरी है ध्यान रखने के लिए, आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए और आंखें बंद कर लेनी है ताकि बाहर की दुनिया से आप कट सको। भस्त्रिका प्राणायाम में नॉर्मल सांस आपको लेना है और नॉर्मल छोड़ना है, और इसको कम से कम 5 मिनट करना है जो अस्थमा के पेशेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस भरनी है और छोड़नी है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इस तरह से इसको कंटिन्यू करते रहना है कम से कम 5 मिनट तक। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी इस प्राणायाम को करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से अगर इस प्राणायाम को करोगे तो आपका अस्थमा ठीक होने के बजाय बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल करना है, देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखिए इसको। नॉर्मल सांस लेनी है, इनहेल, एक्सेल, लंबी और गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। सांस को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, बस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। सिर्फ 5 मिनट तक करना है इस प्राणायाम को, तभी आपको ये अस्थमा के लिए फायदा करेगा। दूसरा प्राणायाम करना है आपको कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, आपको झटके से सांस को बाहर फेंकना है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करना है। 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लेना है। देखिए इस तरह से करना है इसको। पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। इस तरह से इस प्राणायाम को करते रहना है, कंटिन्यू करते करना है इसको भी कम से कम 4 से 5 मिनट। इसमें क्या करना है, आपको कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है और अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या किसी भी मुद्रा में आप अपने घुटने पर रख सकते हैं। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, ऐसे टाइट नहीं करना है कंधों को, बिल्कुल ढीला रिलैक्स छोड़ के रखना है। और उसके बाद जब आप सांस को झटके से बाहर की तरफ करेंगे तो आपका पेट हल्का सा अंदर की तरफ खुद जाएगा, वो आप खुद झटके से खुद लेके नहीं जाना है, वो खुद आराम से जाएगा। देखिए एक बार पेट कैसे अंदर जाता है वो आप देख लीजिए। इस तरह से जब आप सांस भर के छोड़ोगे, इस तरह से आपका पेट अंदर जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कंधों को ऊपर की तरफ खींचते हैं और ऐसे करते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ना तो आपके कंधे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ना आपके बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ आपका स्टमक अंदर की तरफ जाएगा। और जितनी भी सांस है आपको झटके से बाहर की तरफ फोर्सफुली फेंकनी है, तभी आप प्राणायाम सही अवस्था में करोगे। अगर आप गलत करोगे तो इसका गलत इफेक्ट आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए प्राणायाम का सही तरीका जानें और सही तरीके से करें ताकि आपको अस्थमा में बहुत ज़्यादा फायदा करे। उसके बाद थर्ड प्राणायाम आता है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें क्या करना है आपको, इसमें लोगों को ना थोड़ा गलत फहमियाँ होती है, क्योंकि तो कुछ लोग नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम को एक समझ लेते हैं। नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है हमारा, उसमें सांसों को रोका जाता है, कुंभक लगाया जाता है, लेकिन जो हमारा अनुलोम विलोम है इसमें सांसों को रोकना नहीं है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम आपको मुद्रा के बारे में बताते हैं। इसमें आपको सबसे पहले अपने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनानी है। प्राणायाम मुद्रा के लिए आपकी दो लास्ट वाली, ये दो स्टार्टिंग वाली फिंगर है, उनको फोल्ड कर लेना है और लास्ट वाली फिंगर्स को सीधा करना है। इस तरह से देखिए प्राणायाम मुद्रा ऐसे बनानी है और इसको ऐसे रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको रख लेते हैं। अगर आप ऐसे रखोगे तो आपका क्या होगा, एक बाजू दर्द करने लग जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे बार बार नीचे आने लगेगा। तो उसको स्टार्टिंग से ही आपको नीचे रखना है और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। और जो दूसरा हाथ है आपका, उसको आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या फिर किसी भी वायु मुद्रा में रख सकते हैं, किसी भी आप मुद्रा में रख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से रखना है, ऊपर की तरफ रखना है हमेशा, और बिल्कुल ढीला छोड़ के रखना है अपनी बाजू को। ऐसे नहीं करना है कि टाइट करके रखना है आपको, बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये इससे हमसे अपने राइट नोस्टल को बंद करना है, और ये दोनों जो फिंगर हैं, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इससे इधर की तरफ से लॉक करना है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं और आंखें बंद रखनी है आपको। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ भी रख सकते हैं उंगलियों को, ये भी तरीका गलत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। ये
ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, लेकिन हम आपको प्राणायाम मुद्रा के बारे में बता रहे हैं, तो इस तरह से करना है आपको। ये राइट नोस्ट्रल को सबसे पहले बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से जितना लंबा गहरा सांस ले सकते हैं आप लेना है, फोर्सफुली नहीं लेना है, आराम से लेना है इस तरह से। उसके बाद अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लेना है इन दोनों फिंगरों से। उसके बाद राइट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ देना है। जब आप राइट नोस्ट्रल से सांस छोड़ दोगे, उसके बाद दोबारा से आपको राइट नोस्ट्रल से ही सांस भरना है, फिर राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ देना है। ये हो गया इसका, एक बार हो गया। तो ऐसे ही आपको इसको कंटिन्यू करना है, कम से कम आपको 5 मिनट करना है स्टार्टिंग में, और जल्दबाजी नहीं करनी है। और सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है, आपको कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, और इसमें कंधों को आपको खींचना नहीं है ऊपर, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के रखना है। देखिए इस तरह से बॉडी को आप रखना है, सबसे पहले ये पोजिशन आपकी रहेगी, कंधों को बिल्कुल खींच के नहीं रखेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे रखते हैं कंधों को, ये तो ये इससे क्या होगा, उनको प्रॉब्लम होगी। फिर कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के रखना है, एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखना है, और इस तरह से ये मुद्रा भी बना सकते हैं आप, प्रणव मुद्रा में करना है इसको। इस तरह से एक बार करते हैं, 3 से 4 बार हम करके दिखाते हैं इसको। सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रल से बंद, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट नोस्ट्रल से सांस एक्सहेल कर देंगे, फिर राइट नोस्ट्रल से सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ देंगे। इनहेल लेफ्ट नोस्ट्रल, एक्सहेल राइट नोस्ट्रल, इनहेल राइट नोस्ट्रल, एक्सहेल लेफ्ट नोस्ट्रल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। उसमें कई तरीके से कर सकते हैं आप, पहले तो इस लोक भी कर सकते हैं इस तरह से। लोक करना है स्टार्टिंग में, आपको लोक करना है ये, और आपको ऐसे लोक करना है कि आपको बाहर की आवाज़ बिल्कुल सुनाई ना दे, और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। पहले इसका ये तरीका बताते हैं, उसका दूसरा तरीका हम बताएंगे। दोनों हाथों को जो अंगूठे हैं उनको कान के अंदर डालें और पूरा लॉक कर लें, और सांस एक बार लंबी गहरी भरनी है, नाक से ही भरनी है सांस, ठीक है। उसके बाद जब सांस छोड़नी है आपको, तो जैसे भंवरा गुंजन करता है उसके आवाज़ में आपको सांस बाहर करनी है। देखिए देख लेते हैं कैसे करना है। भरेंगे सांस लंबी गहरी, इस तरह आपको कर सकते हैं इसको। और दूसरा तरीका इसका है कि जो पहली वाली जो अंगूठा है हमारा, उसको कान में करना है, और जो फर्स्ट फिंगर है इंडेक्स फिंगर, उसको माथे पे रखना है, वो जो दो फिंगर बचती हैं, ये मिडल वाली दो फिंगर हैं, इनको नोस्टल पर रखना है। नोस्टल पे सिर्फ रखना है, इसको दबाना नहीं है नोस्टल को,
और लास्ट वाली जो फिंगर है उसको यहाँ पर रखना है इस तरह से, देख लीजिए इसको, दो फिंगर को आंखों पे रखना है और अपने कानों को बिल्कुल बंद कर लेना है अंगूठे से, भरे लंबी गहरी सांस। इनहेल, इस तरह से आपको ये प्राणायाम करना है। और ध्यान देना है इसमें, जब भी आप प्राणायाम करते हो तो आपको कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है और कंधों को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, तभी आपको प्राणायाम का फायदा होगा, अदरवाइज प्राणायाम का आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। और लास्ट प्राणायाम आपको हम आपको बताते हैं, ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग से आपको हर एक चीज में फायदा मिलेगा, तो ये आपको हमेशा करना है, प्राणायाम के बाद भी करना है, प्राणायाम से पहले भी करना है। चाहे तो 2 से 3 बार कर सकते हैं आप, या फिर आप 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, जितना आप कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार। उसमें भी आपको कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है। तो चलिए एक बार ओम चैंटिंग की भी आपको दिखा देते हैं लास्ट में कैसे करना है। लंबी गहरी सांस भरनी है और आंखें बंद रखनी है हमेशा प्राणायाम में, भरे लंबी गहरी सांस। इनहेल, लास्ट टाइम इनहेल ओम चैंटिंग के बाद कुछ समय के लिए आंखों को बंद रखना है, और कुछ समय बाद आप अपने दोनों हाथों को रब भी कर सकते हैं, बिना रब किए भी अपने आंखों पर रख सकते हैं, इस तरह कप की आकृति बनाकर। जब आप कप की आकृति बना के रखते हैं तो आंखों को अंदर ही अंदर खोलना है और बंद करना है, तेजी तेजी से टिमटिमाना है अपनी आंखों को दोनों को, और धीरे धीरे फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए आंखें खोल देनी है। तो ये था आज का हमारा प्राणायाम का सेशन जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए। आगे भी हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहें और आगे हमें देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये हमारी सारी वीडियो आगे शेयर करें, जिन लोगों को हमारी वीडियो की ज़रूरत है उन लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद, आप फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।